आए बेबे, मेरे ना सर में निरी बुंडी का सोटनी सी माचरी है। इतने वास अंतर आओगी ने? ले तू मेरे जूम टो दे। दिखा डेरे हो गए तेरे। निरी बुंडी खाज माचे है। ए साची नरी जूम हो रही से। हाँ ट्राले के बहु। हाँ तो क्यों काल पा रही से? जो तरह बीमारी हो रही है ना, ये ना तो मैं जड़ तक खो दूँ। वर्कशॉप खोल दिया की जा मने। आओ को ले। हाँ। इसी कोई दवाई ले रहा है जिससे सारी मर जा। अरे तू आके बैठ एक बार कुर्सी पे। कुर्सी पे? कुर्सी पे बैठने दे, क्यों कर जाऊंगी? अरे कुर्सी पे बैठा के तने पना का उस्तरा टेक के तेरे माथे पर कुत्ती ताई मला दूंगा, सब कमा साफ कर दूंगा सपाचट। हाँ जाने बुंडे काले थोबड़े के, तन्ने तो यही बात आवे से। तोड़ दे तो मेरे साले। अरे मेरे साले का जो शीशा भी साफ नहीं हो रहा, काला का काला दिख रहा है मत आदमी। कोले हाँ, यो शीशा तो बथेरा साफ हो लिया, पर इस मुंह ने कौन साफ करेगा जो राम ने तेरे ते सी बुंडी काली शकल दे दी। हाँ पड़ी रहे ने, काम कर अपना। आए बीबी। हाँ देखी एवा मैडम चल ली आवे, कति बुरी से, मने तो ईसा लग गया से शहर तारी है। एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज गवर्नमेंट स्कूल? आए बीबी, या की कवे है कि मैं पल्ले ना पड़ता। एक काम करा, इसने कोले तो फिटा दे है, वो ये बताओगा या के कवे है। कोले हाँ बॉक्स, मेरे साले की नाड़े ने काट दूंगी। एक आधी बे सीरियस भी हो जाया कर, याड़ा एक बे। बोल। अच्छा न्यू बता, तने अंग्रेजी आवे से? अरे टाली के बहु, अंग्रेजी का तो मैं बदवान छू, अंग्रेजी तो मैं मेरे साले की इसी बोल दू, अंग्रेजा की भी समझ में नहीं आवे। अच्छा तो न्यू बता, यो मैडम के बुझे है, बुझ इस ते बात कर। अच्छा एक्सक्यूज मी मैडम, बोल। कैन यू प्लीज टेल मी वेयर इज गवर्नमेंट स्कूल? बता नहीं बु, होगी तेरी सिट्टी पिट्टी गुल। पर सुनी देवराज गादड़ी डोला डोला बाजरी, आई वाज न मारिया लठ, और गादड़ी का हो गया मठ। ए बुंडी सकल के, यो तो आधी अंग्रेजी आधी हरियाणवी बोले है, मारे भी समझ में आवे यो तो। अरे मोटी बुद्धि की, या आधी अंग्रेजी आधी हरियाणवी मन तो बोलूं सुन, अग दो अक्षर को थारे भी समझ में आ जा। और जब तू पूरी अंग्रेजी सुनना चाहो से तब पूरी अंग्रेजी सुन। आन दे। तब बात सुन मैडम, देर वाज ए करो, ही वाज वेरी थर्स्टी and she was going yahan wahan and sir I beg to say that I am the student of your school, I cannot come to your school, so kindly grant me leave for 3 days, your obediently cola. क्या कोले, आज तने मारे पूरे गांव की नाक ऊंची कर दी। क्यों मान गई होगी ना बेटे, गांव तो इसने ऊए बे उदा का करता, यो तो विद्वान लिखड़या। अरे यो गांव तब मने केमन समझता है कोनिया, ना तो टाली की बहु, इस गांव ने तो मैं इतना ऊपर ले जा के समझ में नहीं आओ बात। इलिटरेट बास्टर्ड स्टूपिड। आओ कोले, इस मैडम ने तेरे थप्पड़ क्या था मारा? ओरे ना। हाँ बोल। अरे ठाली की बहू,
इन मेरे थप्पड़ ने मारिया यानो बोली अख तू इतना विद्वान अंग्रेजी का हाँ। इतना पढ़िया लिखा हो गए हाँ तुम्हारे गांव में के सीती सी करवाओ से हाँ। तो औरे शहर में क्यों नहीं चलता मेरी गल फिर तो तेरा एक थप्पड़ और लागड़ा चाहिए ठीक कैसे मैडम अरे ओ कुतेड़ मैं नूबू जूसू थारे गांव में सरकारी स्कूल किस है लाग रहे इंग्लिश की माँ बाने करण सरकारी स्कूल का आप के करोगे मैडम बेबे मेरी लादी ड्यूटी सरकार ने थारे स्कूल में अख जो जो अनपढ़ रह रहे हैं बड़े बुजुर्ग कम से कम उन इतना एक थप्पड़ आओ अख वे गुठा ना टेक के अपने साइन करे तम पढ़ रही हो माजे मैडम कति गुठा टेक ओहो तो मुझे सरपंच का घर बताओ आप तम मैडम बात सुनी सरपंच का घर ये के बताऊंगी सरपंच मरा झाला खोदन पड़े तो आप क्या करोगे उधर जाके के तक क्या खाओगे उधर जाके मैं आपने इस आदमी बता दूंगा अगर जो काम के एक एक आदमी दोरा आपने ले जाएगा वो बता देगा अगर भाई कौन तो पढ़िया लिखा से और कौन से अनपढ़ और वो से मारा यार डम्बल आप डम्बल का घर बता दो मुझे डम्बल का घर यो के बताओगा डम्बल तो मारे से चलो मैडम जी मैं आपने लेकर चलूंगी चलो ठीक सही ना ले जाओ भाई थम मैं ले बेबे आज तू ये चली जाइए मामन तू के छोरे देख कर लेना दो पैसे इकट्ठे मेरे साढ़े सात न देने नहीं डॉक्टर साहब देख एक यो डम्बल है हाँ आई मीन सरकारी से तनखा दे से अच्छा गांव में अनाज इकट्ठा कर ले है और फिर भी देख ये नाली की डाल छेड़े से ये बीमारी किसके ना फैलेंगी रिसालेश मंद लारवा हो रहा है लारवा लारवा हो रहा है जो डेंगू फैलाव है मैंने कौन सो गाड़ गए नरे मरीज इकट्ठे हो रहे से अरे यो तो भगवान ना आप डॉक्टर बना दिए ना तो अड़क नरे मानस मरे फिर डम्बल ने कह गए इसकी सफाई करवाओ पर्दा न कोई डम्बल तो ढीला बीमारी फैलवा देगा ना मानता एक तो शीत मांगण ताई डोली हाथ में रहे से एक गेहूं इकट्ठे करने पर लगे रहे से काम में कति नीत आराम कर रहा है ये तो बीमार करके मानेगा सारे गांव ने और के मैं यो खाना पीना ऐसा चल रहा है हाँ। ये आजकल के बालक बहु शहर में जा से छोले कुलचे भटूरे ये सब बीमारियां एक घर से और डॉक्टर साहब खाना पीना भी अपने हाथ की बात हो से मन नहीं देख ले हाँ। एक तो गांव बांध रहा छू ठीक राबड़ी बनवा के और दूध गेला घोड़ के पी जाऊं और गच खा के ठाट तो सो सारे के बीमारी दौरा नहीं आ सकती तो लाल मुंह रे शाले तेरा हाँ शाला इस डॉक्टर नाड़े ले कहा गया कड़े रे ओ कड़े बेटा तू तो डॉक्टर के गया ना मैं डॉक्टर ना आड़े लिया आजा दवाई ले ले जमा मीठी शीशी ले रहा डॉक्टर पीने की ओ कड़े कड़े रे डॉक्टर साहब मन तो ईसा लाग गया है काला सुए के डरते हैं घर ने नहीं बढ़ लिया से आप एक काम करो आप क्लिनिक पर जाओ मैं काले ने ले आऊंगा मेरा बेटा कमजोर दिल का से रेशाले मैं बुखार का इंजेक्शन भर लिया इस इंजेक्शन ने चाहे तू काला का लुआ चाहे तू अपना लुआ और चाहे अपनी महेश का लुआ मन ने तो 100 रुपये चाहिए और मेरी सासू का यो तो बिना फेरे खसम हो गया के सोचन लग गया रिशाले सोचना के डॉक्टर साहब 100 रुपये ने खाम खराने थोड़ी दिए जाएंगे दवाई बिना लगवाई और फिर पैसे भी देख रिशाले तने वो बात सुनी है बंदूक मत गोली लेकर जा दो वापस नहीं जाया कर दी तो मनीष मत दवाई भर ली 100 रुपये की 100 रुपये काट दे तब बात सुन डॉक्टर साहब 100 का नोट तो मैं दे दूंगा पर न्यू बताई डॉक्टरी के अलावा माड़ी मोटी एक्टिंग भी कर ले है गे देख रे साले 100 का नोट बाबत थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लूंगा हाँ तो आज करनी पड़ेगी ठीक से मन नहीं सा लग गया है हाँ। काला भीतर से अच्छा और मैं जिस तरह आपने कहूँ और ठीक है डॉक्टर साहब मैं छोरे ने क्लिनिक पे ले आऊंगा हाँ। आपने कह दियो ठीक है भाई तू ले आइये मैं चल लू सो पर तू जाइये मन्ना उड़ पाछे ने भीत की आड़ में लुक जाइए ठीक है ठीक से इतना काम कर लिए काला देख तू सटक दे ही आओगा और फिर मैं उन्हें लूंगा अपनी काख में और तू ठोक दिए इंजेक्शन ठीक से ठीक है ठीक से चुप
तो डॉक्टर साहब मन दिख काला बेटा है ना गांव में जा रहा होगा बड़का ईसा हो यार किधर खेलन कूदन खान पीने वो सन आ जाएगा और मैं आप दौरे ले आऊंगा। कै बजे ती सो ईसा मैं बैठा रू 4 बजे ती। अच्छा 4 बजे पास मैं गांव में लेकर जा रू। ठीक से तो मैं 4 बजे तो पहले आ लूंगा ई बाप जाओ। ठीक से। अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा 4 बजे तक आ जाइए। हाँ आ लूंगा। कड़े बेटा ओ कड़े अरे वो डॉक्टर तो गया तना दो फरी मेरी जूती तोड़वानी थी वह दी तोड़वा। अरे लकड़िया की छे। अरे मेरा तो ये रिसाला समझ में ना आया ये तो सफाई पर शिक्षा देवा था खान पीन पर राबड़ी पीवा था इसका कौन पाए काबू में कोन्या मैं तो अड़ा चोर बना दिया मेरे यार। एक काम कर बेटा ले 100 रुपये ले जा उड़ा भोजन की दुकान पर जाके एक दो सेब खाइए हो जाएगा ठीक। अरे लकड़िया ने आया बाबू हाँ ला दे 100 रुपये ला। अरे बेटा आजा देख मेरा बेटा कति सूख गया सेब खाइए और अंगूर भी ले लिए। अरे मेरी शुगर खड़े थोपड़े वाले तू। अरे रे साले अरे धोखे बाज लग रहा है तू तो तेरा नाम सही तेरे बाले कीड़े पड़ के मरी हो। अरे साले नाश्ते मेरा उससे दिन चले गया था जिस दिन पैदा हुआ था तू मेरे घर में सो के नोट न बैठे न्यू ना जानती हूँ रने ना आनते डॉक्टर साहब ठोक मेरी सास सूखे गए रोते का चेता आ जाने तू तुम्हें सुबह ला आये रे मर गया रे अरे खा लिया रे मेरी सास सूखे दांत रे का तेरा क्यों हो गया रे शाले। अरे बड़ कबर लिया मेरी सास सूखे ना। अच्छा खा लिया रे रे शाले सुई भी टूट गई। सुई टूट गई। अरे वो सुई इतनी मुश्किल तो लगवाया इतनी बुआई सुई ने काटेगा कुने ए, अभी पूरी गाड़ की सिफाई करी थी बाईस चौथ खर्चा इसमें भी तुम्हारा कसूर है के अनुकत अम्बल सिफाई ना करता। मार दिया छोरा काले दर्द हो से बेटा ना गुदगुदी हो तू भी ठुकवा ले सुई। काले बेटा चल खड़े हो चल तेरे खातिर हलवा बनाऊ सू। हलवे ते सुई लिकड़ी जाएगी बाबू। ना बेटा देह में दो दाने होंगे जान होगी साड़ी भीतर आप पकड़ जाएगी चल खड़ा हो। चल बस 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 बस। अरे टाली की बहू। हाँ डमल। राम राम। यो मैडम जी शहर में तारी है। राम राम। राम राम के रिश्तेदारी भागे। ना डमल यो मैडम गवर्नमेंट ने भेज रखी है यो हमने पूरे गांव ने पढ़ावेगी। टाली की बहू पढ़ के बरा काम करके बरा क्यों मुँह न पाड़े है उड़ने ठाके पूरी बात तो सुन ले पहले। महीने के 1000 रुपए मिलेंगे फ्री के और जूते मिलेंगे फ्री की वर्दी मिलेगी फ्री का बस्ता मिलेगा राशन मिलेगा चे कितना है खा लिए। अरे टाली की बहू कौन अपना घर बार छोड़ के पूरा दिन स्कूल में बैठेगा। ए बोली बूच सारा दिन न पढ़ना और एक एक घंटा जाना है बस बस एक घंटा बदबल एक घंटा तय सफाई करने के बाद भी तो सस्ता ले है। आ जाऊंगा। ठीक से तय भी आओगी ना। हाँ मैं भी आऊंगी पर तन्ने मैडम ते एक बात बतानी पड़ेगी इस मैडम ते न्यू बता दे इस पूरे गांव में कौन तो पढ़े लिख रहा से और कौन गुट्ठा छाप से देखा से हटाल लेगी बहू और मैडम जी तय भी सुन ले। हाँ एक तो जो कती खाले से ना अच्छा वह है कोला कुछ नहीं आता उन्हें उससे तो मैडम फेटे आई उसका तो टेस्ट पहले ले आई। अरे कपड़ा रिसाला वो भी कति गुट्ठा टेकेगा। अरे इसे इसे 10 आना झाड़ू बा कति गुट्ठा टेक। अच्छा। और 2-4 लुगाइयां का मैं बता दूंगी। ऐसा डालने की बहू लोगों का तो मैं भेद पाड़ूंगा और लुगाई का तय भेद पाड़ दिए। ठीक से डमल चाले भी चाल लेंगे। चल आ जाओ मैडम जी। घना दर्द हो गया हो जाएगा बेटा ठीक। डॉक्टर साहब इस सुई ने काटो नहीं बे रिसाले नूना लकड़े भी सुई और की डाल लकड़ेगी इसका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन हाँ। कर दो फिर वो नू थोड़ा होगा क्लिनिक पे ले चल 5000 रुपये लगेंगे। 5000 5000 तो मैं तेरे पे लेके छोड़ दूंगा ही बे मुकदमा दर्ज करवाऊंगा तेरा लाइसेंस बनवा रखे मैंने
मतीन और मार दे मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, कंधा तेरे भी तोड़ दे सुई। बेटा सो तो भगत लिए 5,000 की डाल भोग तू। ए रिसले भैया के सांग सलीमा चल रहा। अरे दम्बले सांग ते ये डॉक्टर ने काट दिया, छोरे का सुआ लगवा था और सुई मैं तोड़ दी। और सड़े किसके मानना भी है, और का झाड़ा ला देता या ठीक हो जाता। अभी काले बड़ा दी फुटबॉल बेटा बड़ा जी पाकेगा। हाँ घर छोड़ हो जाएगा ठीक, अरे अब भी टाइम रहेगा, झाड़ा ला दूंगा इसको। दम्बले 11 की जगह 21 दे दूंगा, पर काले की सुई ने काट दे बड़ा काल पारा सर। 21 रुपए मत इसके जीने भी काट दूंगा, बाकी छोड़ ठीक हो जाएगा। ये मेरी बात सुन ध्यान से, ये बैजियो जी आ रही है शहर से आ जाएगी या खड़ी है, अरे या अपना पढ़ाओगी। अरे बावले बोझड़े या पढ़ने की उम्र छे, और क्या कारण की उम्र होगी, पढ़ने की भी कोई उम्र हो आकर पहले पूरी बात तो सुनता नहीं। आप बता के बात से या पढ़ाओगे अपन, और 1,000 रुपए मिलेगा, तख्तियर बस्ता मिलेगा, अरे दड़िया मिलेगा। 13,000 रुपया के ऊपर मारे घर का कोषण छवा दू, कुन डांगरा न पानी पियाओगा, कुन न्यार ले आओगा। सब दिन न बैठना, बस एक घट्टा बैठना, एक घट्टा में 1,000 रुपया, अरे सड़ ओ अरे भाई वो तख्ती और बस्ता सारा सौदा थे होगा। दम्बले या बहन जी से लत्ते पैर क्या होगी, तो कुन पढ़ेगा रे? मैं पढ़ूंगा। तो पहले अपनी सुई कटा, आराम खोर आराम खोर तू पढ़ेगा। अरे साले मैंने दाखला ले लिया, टाली की बहू ने भी दाखला ले लिया, और वो सुरता और की बहू भी आओगे। आए टाली बहू तन्ने भी लिखवा लिया नाम है। ठीक से दे बहन जी, टाली बहू पाछे मेरा नाम भी लिख दो रसाला। अरे साले अब कर रहे थे पिटर का काम, ऐसा मारे घर कुण पे की मारी बहू, अब लिखवाओगे इसके पाछे नाम, तेरा के मतलब फालतू बोल रहा। ठीक से दे कितने लिखवा दे, आ जाऊंगा मैं भी। नो बता कड़ा आना है अपने आने स्कूल में कल 11 बजे। हाँ ठीक से तो आ जाएंगे। हाँ तो चलो चलो भैजियो जी। डॉक्टर साहब ये छोरे का कैमरा गोंडा 5,000 तक कोन्या। स्टार इंडिया परिवार की तरफ से सारे दर्शकों ने हाथ जोड़ के राम राम। दोस्तों एपिसोड आपको कैसा लगा, और बहुत मजा होगा इबागा आ गए इसे का डांगे एपिसोड, जब रसल्ला हाथ में तख्ती और कड़ पर झोला टांग के पढ़न ताई जाओगा, और फिर नून ते दम्बल नून ते कोला और नून ते गांव के सारे बड़े बुड्ढे भाई शेयरिंग का चोटा मारते हो और मारे एपिसोड के देखने के जी शेलो। और भाई एक बड़ा ही खुशी का विषय यो भी है कि आज हमारी टीम में 2-3 नए कलाकार आए हैं भाई। नए कलाकारों का स्वागत करते हम ताली बजा के जैसे करते हैं भाई। दीपक है और भाई ये मैडम प्रीति भाई, ये भी हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब आए हैं अपने आरडी शर्मा। ये और सुन दो भाई, डॉक्टर साहब की आवाज सुनो भाई। और भाई सोनी पत्ता आए हैं, ऐसी बात नहीं, ये भी खुद ट्रेनर गाड़ेंगे ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब बोलिए दो बात के मैं डॉक्टर आरडी शर्मा, मेरी तरफ से भी आप सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपको खुशी हो हंसे बोले हंसते बोलते रहे इस परिवार तक सबको नमस्कार। तो भाई एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ भाई, मैसेज देगा तो बता भी कर दिया मैसेज देगा। ना, ये पहले ले सुन लो। देखो जिस तरीके का देश के अंदर अपने प्रांत के अंदर एक लहर सी चली हुई है भाई, किसी भी बहकावे में ना आकर आपसी भाईचारा खराब नहीं करना है, बस ये टाइम पास टीम की ओर से एक अपील है एक अर्जी है। वाह बहुत बढ़िया, ये मैसेज तो आपने बहुत बढ़िया बताया, जरूरी है। और काला कई दिन में आया है, हाँ काले बोल। देखो जी बड़ा मामा जा रहा था भाई। हाँ आप तो ब्याह करवाओ को नहीं जी। हाँ। तो मैं ब्याह करवाने जा रहा था जी, जो गर्मी घनी थी जी, ब्याह करवा गुंजड़े पर चिट पर घनी है जी, मैं उल्टा आ गया। अच्छा ठीक करया, दादा में करवाओगे ब्याह, दादा में ना ठीक से फिर दादा में बैठे धुंध पड़न लायक जाएगी।
बोले तू भी क्या समझदारी बात कह दिया भाई, मैं समझदार खुद नहीं समझदारी रोज 10 आदमी ने कह रहा बोले वो कितने पीवे है ये बता दे तू कितने पीवे है भाई। रामवीर भाई जो है जो कोले का किरदार करते हैं ये वो शख्स है जिसने आज तक दारू का मुंह कभी नहीं लाई होगी। मैं दारू दारू की बीड़ी भी ना पीता हूं और बीड़ी भी नहीं पिया करो भाई, क्योंकि अब ये तो हम तो आपका मनोरंजन करने के लिए भाई ये सब चीजें कर रहे हैं, ये बहुत बुरी चीज है, तो आप लोग भी मत पिया कभी जीवन में मत पिया। शराब खराब है मेरा कमेंट लोगे। हां जी, आज के दिन बीपी ब्लड प्रेशर शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक हम अपने दिनचर्या को ठीक रखें और स्वस्थ रहें, हंसते बोलते रहें, इससे हमारे टॉक्सिन बाहर निकल जाएं तो आधी बीमारी से तो इससे ही कम हो जाएंगी। तो आप इस एपिसोड को देखें, लाइक करें और हंसते बोलते रहें, आपका परिवार शुभ मंगलमय हो। प्रीति बोलो। नमस्कार जी सारे दर्शकों को मेरी तरफ से, मैं हूँ प्रीति राणा और मैं इनको पढ़ाऊंगी, देखना कैसे क्या पढ़ाती हूँ और कैसे इनकी क्लास लेती हूँ वो आप सब देखिएगा। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैं शराब के ऊपर बात कहूँ था, एक छोटी सी बात सुन लो। मेरे गुरुजी हैं मास्टर बलवान सिंह राठी मायना गांव से, बचपन से एक चीज सिखाते आए थे कि शराब खराब है, इसकी बुराई को ले तू पहचान, कमजोर कनिष्ठ और कंगाल बनता है इससे इंसान। भाई कमजोर भी हो है, कनिष्ठ भी होता है और कंगाल भी होता है, इसलिए शराब में बहुत बड़ी बुराई है। बिल्कुल। प्रियंका बोल। बोल प्रियंका। बस आप सबने बोल दिया, तू बोल दे, राम राम बोल, तू भी बोल, मेरी भी आई बात, राम राम तक आप बोल दो। मैं राम राम मार दोनों की तरफ, हमने वैसे दोबारा की है, पहले कर दी थी हमने राम। भाई सारे दर्शकों ने राम राम, ऐसे ही स्टार इंडिया परिवार को आप प्यार देते रहिएगा और शेयरिंग में कोई डाटा खर्च नहीं होता, देख के शेयर कर दिया करो यारे प्यारे रिश्तेदार दोहरा है, ताकि हमारे प्रोड्यूसर का और हमारा हौसला बना रहे। जय हरियाणा, जय हरियाणा।